डीएनडी न्यूज चैनल के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी। आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं। उनके साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल हैं। उन्होंने वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की है। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। इस दौरान ममता बनर्जी का साफ तौर पर कहना है कि हम लोग एक साथ हैं, सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ हैं और सारी विपक्षी पार्टी एक साथ होकर बीजेपी को जीरो पर लाएंगी। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से जेपी आंदोलन की शुरुआत बिहार से की गई थी, ठीक उसी प्रकार से इस आंदोलन की भी शुरुआत करेंगे। आगे भी हम लोग बैठक जारी रखेंगे और अगली बैठक जो हम लोग बिहार में करेंगे, इस बारे में क्या कुछ कह रही है ममता बनर्जी, तो आप भी सुने। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshant.com। मैं नीतीश जी आई हुई है, तेजस्वी भी साथ में आई हुई है और नीतीश जी का मिनिस्टर भी आई हुई है। हमने खुश है कि हमारा इधर में आई हुई है बंगाल में। हम तो नीतीश जी को यही रिक्वेस्ट किया है कि नीतीश जी देखिए, जयप्रकाश जी का जब मूवमेंट हुआ था बिहार से हुआ था, अगर हम बिहार में हर पार्टी मिलके मीटिंग करें, एक पहले घरवा मीटिंग, उसका बाद में तैयार करें, बाद में कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या मैनिफेस्टो है, वो सब बाद में बताएंगे, लेकिन पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में है। हमारा तो हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए। बहुत बड़ा हीरो बन गया कोई कुछ नहीं करके, मीडिया का सपोर्ट में और नैरेटिव बना के, खाली झूठा बात कह के, फेक वीडियो बना के और फेक बात करके और गुंडा गद्दारी करके, ऐसा नहीं चल सकता है। तो इसी के लिए नीतीश जी सबको साथ बात करेंगे, हम भी बात कर रहे हैं, तो एक साथ में मिलके हम लोग चलेंगे। हमारा कोई पर्सनल ईगो का कोई बात नहीं है, हम कलेक्टिवली एक साथ में काम करने चाहते हैं, यही मैसेज है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।